कार्ड नहीं निकाला मैंने, कहाँ है? अबे तेरी की कॉर्न एंड मटर, चीला, आलू का पराठा, सैंडविच, जूस, चाय। सर्द हवा चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल बर्फीली, बर्फ़ है नीचे और हवा में भी बर्फ़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अशार व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 7:52 हो रहा है, 7:52, और मैं सुबह के, अरे भाई, सुबह मैं 6 बजे उठ गया था, 6 बजे उठा, फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। अरे भाई कितनी ठंड है यार। टेम्परेचर बताता हूँ आपको इधर का क्या है टेम्परेचर, -4 डिग्री, -4 डिग्री में, और इतनी तगड़ी हवा चल रही है, ये लैंप्स देखो पूरे, बहुत तगड़ी वाली ठंड है। व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, और अपने होटल का भी बहुत तगड़ा वाला व्यू आ रहा है। यार मैं अंदर चला गया, बहुत ठंड लग रही है। तो मैं सुबह जो है सुबह के 6 बजे मैं उठ गया था, फिर उसके बाद मैंने इधर नमाज़ वगैरह पढ़ी, और मैंने कल रात में वीडियो भी नहीं एडिट की थी, तो मेरा था कि मैं वीडियो भी एडिट कर लूँ, तो मुझे 1.5 घंटे उसी में लग गया वीडियो एडिट करके। वीडियो को मैंने अपलोड पे लगाया है, तो बहुत यहाँ पे यार नेटवर्किंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और वाईफाई का तो बहुत बहुत बुरी स्पीड आती है, और मोबाइल डेटा भी इतना ख़ास कुछ चलता नहीं है। तो लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो हुई थी, मैंने रात में 12 बजे वीडियो लगाई थी अपलोडिंग के लिए, सुबह 6-7 बजे जाके वो अपलोड हुई थी। तो इसके लिए भी लेट्स सी कब तक होती है, अभी तो मैंने अपलोड पे लगा रखी है, अभी मुझे लग रहा है 1-2% हुई है। और ये दोनों लोग तगड़े में सो रहे हैं, मैं सुबह 6 बजे का जगा हुआ हूँ। तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है, हम लोग 8 बजे तक ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है। उठ गए क्या? अरे भाई माशाल्लाह, यासे भाई उठ गए अपने। तो सुबह 8 बजे से अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है, और कल जो है हम लोग कल स्किप करना पड़ा था, क्योंकि इस टाइम हम लोग कल सिसु के लिए निकल गए थे, तो आज अपना ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ेंगे। और कल रात में मैं 11 बजे इतना थक गया था कि मैं 11 बजे सो गया था, यासिर भाई तो 10 बजे ही सो गए, ईशान भाई थोड़ा ऐसे 11:30 बजे तक सोए थे, लेकिन बाकी सब बढ़िया है। और आज का प्लान हमारा ये है कि आज हम निकल लेंगे इंशाल्लाह 12 बजे के अराउंड, 12 से 1 बजे तक मनाली से हम निकल लेंगे, क्योंकि पहाड़ जो है हम लोग चाह रहे हैं कि डे टाइम में हम ये पूरा कवर कर लें, फिर उसके बाद नहीं पता, मे बी चंडीगढ़ रुकें, दिल्ली रुकें, या फिर सीधा लखनऊ, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली रुकें, क्योंकि ज़ीशान भाई को अपने बाइक में कुछ काम कराना है, तो मे बी हम लोग दिल्ली में स्टे करें। तो अभी इन लोग को देखता हूँ, ये लोग जब उठ जाएंगे तो फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए। 8:45 होने लगा और हम लोग अब निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अभी कॉल भी आ गया था उनका मेरे पास कि सर आज ये आप लोग लेट हो रहे हैं। ये इतने भाई सुस्त है दोनों लोग, आराम भाई, ऐसे थोड़ी चलता है यार ट्रिप में यार ऐसे थोड़ी चलता है। बिल्कुल कार्ड नहीं निकाला मैंने, कहाँ है? अबे तेरी की लव हो गया। हाँ चलो अब वहाँ रिसेप्शन से बात कर लेते हैं। गैर जिम्मेदार लोग, रह के सीखो मेरे साथ। कार्ड छोड़ दिया अंदर वहाँ से। चलो भाई स्टेट से चलते हैं, पहले चल के कार्ड ही निकाल लेते हैं, फिर चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, ठीक है? नहीं चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कम डिसाइड कर लो। नहीं नहीं अगर हम लेट पहुँचेंगे ना तो ख़त्म हो सकता है ब्रेकफास्ट अपना। उबला अंडा खत्म। ये सारे एप्पल ट्रीज हैं यार, क्या खूबसूरत लगता होगा जब सीज़न में एप्पल आता होगा इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई कसम से, सारे लोग जा रहे हैं यार, बहुत तेज़ हवा चल रही है, देखो आप लोग -4 में इतनी तगड़ी हवा, आउट ऑफ कंट्रोल है बॉस। इज़ द रेस्टोरेंट कॉर्न एंड मटर, चीला, आलू का पराठा, सैंडविच, जूस, चाय, और भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या खाऊं। तो अभी तो हम लोग ने स्टार्ट किया है, यासिर भाई अभी चाय से स्टार्ट कर रहे हैं, और मैंने अपना ये स्टार्ट कर दिया है, अभी देखते देखते से पेट भर गया तो ओके, वरना दोबारा ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। यासिर भाई इज ईटिंग हेल्दी फूड्स, ओट्स और कॉर्न मटर, एंड अभी लेके आए हैं तो वो वाटरमेलन एंड पपाया, नाइस मैन। और इससे पहले क्या कहते हैं, हाँ बॉयल्ड एग्स खा रहे थे। चीला बहुत टेस्टी है, ये वाला चीला बहुत टेस्ट, फास्ट करके तो मज़ा आ गया। हाँ
धूप में चल के थोड़ा, और क्या सर्द हवा चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल बर्फीली बर्फ है नीचे और हवा में भी बर्फ है। यहाँ थोड़ी देर धूप में बैठेंगे हम लोग, और वो हम लोग ने कार्ड भी अंदर छोड़ दिया था ना रूम का, तो उसको भी लेना बड़ा सुकून मिला। लेकिन ये जब बर्फीली हवा चल रही है ना, तो बहुत ठंड लगने लग रही है। और हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब जाके अपना पैक सामान वगैरह पैक करेंगे और देखते हैं कि अगर अभी शायद नीचे हो सके जाए हम मॉल रोड में थोड़ा टहलने के लिए, और 12 बजे का चेकआउट है तो चेकआउट करते ही फ़ौरन निकल लेंगे इधर से। बाकी ये भाई लोग इधर बैठे हुए हैं, इधर जीशान भाई, यासिर भाई, हाँ क्या प्यारा व्यू आ रहा है यार इधर से, यहाँ बैठे हैं सामने बर्फ़ के पहाड़ हैं ऊपर। इधर हम लोग जब से आए हैं तब से मतलब सोचे थे यार आके यहाँ बैठेंगे बैठेंगे, और अब जिस दिन जाना है उस दिन हम लोगों को मौका मिला था कि यहाँ इधर आके वाके बैठ सकते हैं। और इधर जो है ये ऊपर वाला अपना रूम है, दिस वन इज़ आर रूम, ये अपने रूम की बैल्कनी, और बैल्कनी का अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ, इतनी ठंड है कि बैल्कनी में जाने का दिल ही नहीं। टाइम टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल होटल। हम लोग ने सारी पैकिंग वगैरह बहुत जल्दी की, 11:30 हो गया, हम लोग का जो चेकआउट टाइम था वो 11 बजे का था और हम लोग सोचे थे 12 बजे का है। तो वही सारी चेकिंग हो रही है, अपना ये खूबसूरत सी बैल्कनी, एक भी फ़ोटो नहीं आ हो पाई इधर, और हो गया ईशान भाई सारा, चले 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 चले। बाकी अभी जो पैनियर्स वगैरह है मैंने सारी चीज़ें लोड कर दी है इधर भी, हाँ कुछ तो रह कुछ रह नहीं गया। और इसके अंदर फ्रिज थी, हम लोग जब बाद में जा रहे थे तब देखी कि हाँ भाई अंदर फ्रिज भी है। कार्ड निकाल लो यार, ये खूबसूरत सी लॉबी थी, कार्ड निकाल दी ईशान भाई। इधर भी मैं आप लोग को दिखाई दूँ, इधर से भी काफ़ी अच्छा व्यू था ना, कोई फ़ोटो हो पाई। एक्चुअली फ़ोन का कैमरा ख़राब था ना यार, वरना बहुत हम फ़ोटो निकालते, एक भी फ़ोटो नहीं हो पाए अभी तो फिलहाल। जा रहे हम लोग, हो गया ना, चले आइए, हाँ बंद कर दीजिए। तो अभी हम लोग बस नीचे जा रहे हैं, बाइक पे हमने पैनल्स लोड कर ही दिए, अब जो है हम लोग चेकआउट के लिए जा रहे हैं उधर रिसेप्शन पे। बहुत थक गया, देखो कितना सामान लूट किया हूँ, और एक तो एक हाथ में कैमरा पकड़ना है भाई, आगे लिफ्ट आगे, थक जाएंगे भाई, ऑलरेडी थक चुके हैं, एक तो इतना सामान उस पर से एक हाथ में फ़ोन ले, नहीं अभी थका नहीं हूँ, मतलब अभी सामान वगैरह सेट कर लेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। अपनी पेमेंट वगैरह सारी डन हो गई इधर की, और सामान हम लोगों ने इधर ही छोड़ दिया था। ये अपना नीचे रिसेप्शन का सिटिंग एरिया है, इधर रिसेप्शन है, तो पेमेंट हो गया, बाकी अब सामान वगैरह इधर से देख के सामान वगैरह इधर से उठा के हम चल रहे, हाँ चलो 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 चलो। ये होटल का लुक तो आप लोग को मैं कई बार दिखा चुका हूँ, फिर से देख लो, बड़ा प्यारा होटल था। और भाई अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं कि नीचे कुछ रुकते हैं या फिर डायरेक्ट मनाली लीव कर देंगे, हो सके वहाँ पर थोड़ा फ़ोटो शूट के लिए रुकें या फिर नहीं रुकेंगे, देखते हैं जैसा सही लगेगा। बाकी सामान भी जो है पहले उसको अंदर पूरा रखते हैं हमने, ऋशान भाई ऑल साइज, हमने सारा सामान जो है जो भी हमारा सामान बचा हुआ था हमने उसको अंदर कर दिया है, और हमारी बाइक जो है कोल्ड स्टार्ट पे कर दी है। अब यहाँ से हम सीधे नीचे उतरे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, धक्का लगाओ पीछे से यार, उतरेगी नहीं ऐसे, अल्लाह अकबर, बैठ जाओ